दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज के समय में श्री रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें बनती जा रही हैं जो आने वाले कुछ ही वर्षों के बाद अपनी अलग अलग पहचान की वजह से जानी जाएंगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को विकसित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बनाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर की मृत्यु के बाद अयोध्या के प्रमुख चौराहे को लता मंगेशकर के नाम पर बनाने की घोषणा की थी और रामनगरी में आने वाले सभी पर्यटकों को लता मंगेशकर की आवाज़ में राम धुन सुनाई देगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि रामनगरी में आने वाले लोगों को राम धुन कैसे सुनाई देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे मजेदार टॉपिक। दोस्तों, अयोध्या नगरी की पहचान एक प्राचीन शहर के रूप में की जाती है जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या प्राचीन कोसल राज्य का हिस्सा था जिसकी राजधानी साकेत यानी अयोध्या थी। दोस्तों, दीपावली के शुभ अवसर पर इस चौक का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। भारत रत्न लता मंगेशकर का 93वां जन्मदिन 28 सितंबर को मनाया गया। अब वह इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने हिंदी, मराठी, कई भारतीय भाषाओं में गाने गाए हैं। उनके गीत और भजन हमेशा लोग गुनगुनाते रहेंगे। वह भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके इस अनुराग को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लता मंगेशकर के नाम पर चौक बनाने की अनुमति दी है और इसका काम 28 सितंबर से शुरू हो जाएगा और अयोध्या के प्रवेश द्वार पर स्थित बंधा तिराहा पर लता मंगेशकर के नाम पर चौक व उद्यान बनाने का काम रात दिन चल रहा है। और 28 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए थे और इसी बीच बीड़ा स्थापना के काम की जांच भी की थी। लता मंगेशकर स्मृति चौक बनाने का काम जहां पर हो रहा है और उसके ऊपर ही 32,000 किलो वोल्ट की हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन निकली है। इस लाइन की ऊंचाई जमीन से 15 मीटर से ज़्यादा है और वहीं पर लता स्मृति उद्यान में मां सरस्वती की प्रतीक वीणा भी स्थापित की गई है और इस वीणा को कांसा और स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है और इस वीणा की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 फीट और वजन 14 टन है। इस वीणा को उद्यान में 57 डिग्री के बजाय 34 डिग्री पर रखा गया है और इस उद्यान को बनाने में लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत लगी है और यह वीणा दिल्ली से बनवाई गई थी और यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को लाइट और साउंड के माध्यम से लता मंगेशकर के गाए गए श्री राम के भजन और वीणा की मीठी ध्वनि लोगों को सुनाई देती रहेगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए, हम कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।